नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जलाया आतंकवाद का पुतला। डिप्टी कलेक्टर को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्योपुर के जय स्तंभ चौक पर काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा, बस पर आतंकी हमला एक कायराना हरकत है, इससे पूरा देश आहत हुआ है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटाने के बाद एक आशा की जोत जगी है, लेकिन उग्रवादियों का मनोबल भी कम नहीं हुआ है। बजरंग दल की मांग है कि सरकार इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए निर्णायक और ठोस कदम उठाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दीदी, क्या नाम है आपका? श्रीमती अनीता शिकरवाल। आज जो आपने पुतला जलाया है, वो किसका पुतला है और किस संबंध में जलाया? ये विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला जलाया है, जो शिवपौड़ी में बस पर जो घटना घटी है, जिसमें 10 श्रद्धालु शहीद हुए हैं, उन्हीं के फेवर में हमने आतंकवाद के विरोध में पुतला जलाया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आतंकवाद को देश में ना पनपने देंगे और ना ही अब दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो, ऐसा शासन से अनुरोध है। तो राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है।